गाइस आज हम देखेंगे जेक्वेरी के अल्टीमेट कोर्स में कि ओनली ऑफ टाइप सिलेक्टर होता क्या है जेक्वेरी में। तो देखिए, इससे पहले ये जरूरी है कि आपने हमारे पिछले ट्यूटोरियल्स देखे हों, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है 17 लेक्चर्स तक कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जरूर चेकआउट करें क्योंकि ये काफी अच्छे रहे हैं सिलेक्टर्स। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप भी आप जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ओनली ऑफ टाइप सिलेक्टर। देखिए यहाँ पर ओनली ऑफ टाइप का मतलब क्या है। ओनली ऑफ टाइप का मतलब ये होता है, मैं आपको अगर मतलब बताऊं कि यहाँ पर ओनली का मतलब होता है केवल एक ही। ठीक है, ऑफ टाइप मतलब उस एक चाइल्ड का टाइप क्या है, उसी के ऊपर हम यहाँ पे सिलेक्टिंग लगाएंगे। ठीक है, अगर बाय द वे यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपको यहाँ पे दो डिप दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर तीन तीन चाइल्ड है। ठीक है, अगर मैं इनके ऊपर लगाता हूँ ये सिलेक्टर, लाइक मैं यहाँ पे कैसे लिखूंगा कि आप यहाँ पे किसके ऊपर सिलेक्टर लगा रहे हैं, पी पी जो चाइल्ड है। ठीक है, और यहाँ पे आपने लिखा ओनली ऑफ टाइप। ठीक है, एंड डॉट सी एस एस, और यहाँ पे आपने लिखा लाइक बैकग्राउंड, और सी एस एस में आपने लिख दिया यहाँ पे लाइक ग्रीन। ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पे जो है अपनी फाइल को रन करता हूँ लाइक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। तो देख सकते हैं अभी किसी पर अप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आपको बोला कि पिछला ट्यूटोरियल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहा है, इसलिए ओनली चाइल्ड जो कि पिछला ट्यूटोरियल था। अब देखिए बाय द वे मान के चलिए, ओनली ऑफ टाइप का मैं आपको मतलब बताता हूँ। ओनली का मतलब ये है केवल एक ही चाइल्ड हो और उसका टाइप हो। टाइप हम यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं, पी। ठीक है, तो हम यहाँ पर अभी लाइक मैं एक और यहाँ पे क्या करता हूँ, एक पेरेंट बना लेता हूँ। ठीक है, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक पैराग्राफ बना लेते हैं लाइक फर्स्ट चाइल्ड। ठीक है, एंड देन मैंने क्लोज आउट किया है। यहाँ पर मैं क्लास दे देता हूँ लाइक पेरेंट थ्री, और मैं गाइज यहाँ पे जो है रिफ्रेश करूंगा तो देख सकते हैं गाइज अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आप बोलोगे कि ऐसा कैसे, कि यहाँ पर अगर मैं देखिए बाय द वे मैं यहाँ पर दो चाइल्ड लगाऊंगा ना तो यहाँ पर ये काम नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया पिछले ट्यूटोरियल में। ठीक है, यहाँ पर ये चेक कर रहा है ओनली ऑफ टाइप का मतलब यही है कि एक चाइल्ड हो और उसका टाइप क्या हो जो आपने यहाँ पे बताया। लाइक मैं अगर यहाँ पे पी बताया हुआ है और मैं यहाँ पर जो है एक चाइल्ड को स्पैन बना रहा हूँ तो ये यहाँ पर अब वर्क नहीं करेगा। देख सकते हैं यहाँ पे मैं अभी आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, तो अब वर्क नहीं कर रहा। अगर मैं यहाँ पे पी करता तो ठीक रहता। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पी करके रिफ्रेश करता हूँ तो देख सकते हैं गाइस ये आ रहा है। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम पता है क्या देखने वाले हैं, पेरेंट चाइल्ड सिलेक्टर क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, तो मान लीजिए काफी इंपॉर्टेंट है। और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। सो थैंक यू।